अच्छा, अभी यूनिवर्सिटी के लिए भी ये लोग अपना ट्रायल लिए हुए हैं, यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन। अच्छा, सो यूनिवर्सिटी प्लेयर्स हैं, स्टेट प्लेयर्स हैं, ये सीबीएसई क्लस्टर के फाइनलिस्ट फाइनलिस्ट हैं। अच्छा, रोहाल फोर टाइम्स। अच्छा, आप बच्चों को पहले जाना है, सो आप लोग अच्छा ठीक जाना है। एक सेकंड थोड़ा सा खत्म हो जाए। तो गुड इवनिंग, मैं हूं पटना के गांधी मैदान के ठीक उत्तरी छोर पे क्राइस्ट चर्च स्कूल में। भारत में जितने भी पुराने खेल हैं उनका नाता मट्टी से जरूर है, चाहे पहलवानी हो, कुश्ती हो या फिर कबड्डी हो। कबड्डी इस वक्त पूरे भारत में सबसे पॉपुलर ग्रामीण खेल है और इसमें काफी बड़ा बड़ा इनाम रखा जाता है, खासकर पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है वहां विलेज ये टूर्नामेंट होता है जिसमें करोड़ों रुपए लगता है। और सीबीएसई ने एक नया फॉर्मूला पूरे भारत में लागू किया है सीबीएसई स्कूल्स में, और बिहार के मुख्यमंत्री ने भी शनिवार का दिन बैगलेस, बच्चों को बिना बैग के स्कूल जाना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा गेम जो है, सबसे अच्छा खेल जिसको कहेंगे, वो है कबड्डी। क्यों? क्योंकि कबड्डी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी फील्ड नहीं चाहिए, कबड्डी के लिए आपको कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, कबड्डी के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होता है। जब आप मिट्टी से लगते हैं तो शरीर जो है आपका खुश होता है और आप भी खुश होते हैं, सो तंदुरुस्ती भी आती है। सो आप प्रोफेशनल प्लेयर्स में, जैसे अभी जो है स्टार कबड्डी एक टूर्नामेंट होता है जिसमें अलग अलग स्टेट की टीम्स हैं, और वो स्टार कबड्डी बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, करोड़ों करोड़ का उसमें टर्नओवर है, और ये बहुत इंटरनेशनल गेम है, उसमें टाइमिंग बहुत परफेक्ट रखा जाता है। और जो स्टार प्लेयर्स हैं, पहले लोग सिर्फ क्रिकेट के प्लेयर्स को जानते थे, अब कबड्डी के प्लेयर्स को भी जानते हैं। संजय जी इधर आइए, कैसे ये कबड्डी का माहौल है बिहार में और भारत में इस वक्त? विगत कुछ वर्षों से कबड्डी का जो एक इमेज अपना बना है, इसमें राज्य कबड्डी संघ का भी योगदान है, इसमें जैसे हमारे कुमार विजय जी बहुत ही अथक प्रयास करते रहे हैं, उन्हीं का प्रयास भी है कि आज कुछ मोटिवेशन खिलाड़ियों को देने का, और पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसे स्थापित करने का। उसी क्रम में एक विचार हमारे क्राइस्ट चर्च के वाइस प्रिंसिपल कैलाश चंद्र सर का आया कि हम अपने विद्यालय में ये जो हमारे अनुपयोगी जगह थी, ना बात क्लियर है ना रघु बैक पीटी दोनों कारण आठ मिला आपने इतना कहने के बावजूद एक दूसरे दूसरे का कनेक्शन हो रहा है आपस में। अरे कर रहे हो, हाँ या ना बोलो। नहीं तो फिर काहे के लिए प्रैक्टिस कर रहा है? प्रैक्टिस होता है काहे के लिए? एक कनेक्शन नहीं हो रहा तुम दोनों में, तो कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा कॉम्बिनेशन। रहो दोनों अपने तुम क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहा है? पॉइंट देते हो, लेते नहीं एक भी। यहाँ पे जो डिफेंडर है तुम्हारा ग्रिपिंग है ही नहीं, तुम कभी पैर को दिवाकर वो बोला था कि अबे लेटर यहाँ हम एक ग्रिप पकड़ सकते हैं, यहाँ से ऐसे पकड़ सकते हैं, तुम क्या करते हो, बस जाते हो, बस पकड़ लेंगे इसको, जब पकड़ना है वो फूल एकदम सिंगल एक्शन में ये इसको ये डिस्टर्ब कर रहे, इसको क्या कर रहे, उसको अस्थिर नहीं रहने देंगे। चल रेट कौन है सर? आ दीपक कौन है? हाँ चल चल रहे हैं, इसे निकलेगा
खबर खबर निकल चले जा आराम से आराम से ठीक भी आएगा ठीक भी आएगा आराम से नहीं बग भी नहीं आ गया बहुत आ गया कोई बग नहीं है चल 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 नहीं छोड़ दे नहीं है बग भी नहीं है क्या इसे चल में मारेगा तू कीपर क्या दौड़ेगा तू मारेगा चल चले पग भी नहीं है निकल 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 आगे फिर हाँ निकलने के मतलब मारना नहीं होता है कट जाता है उठा है यस पकड़ नहीं किया निकालने का मतलब मारना नहीं होता है इधर याद रखना भगाते रहो भगाते रहो आ जा रहे सो नाइस नाइस वेरी नाइस चलो आप लोग अपने गेम दो मेरे छोटे बच्चे उन लोग को ज्यादा कीजिएगा सर अच्छा हाँ सब नए बच्चे उन लोग को पड़ेगा अच्छा एकदम नए कब स्टार्ट किया मारो कैसे बताया था मारना हाथ मारो क्या बताया ये मारने के लिए बोले थे क्या बताया था सर पूरा उन्होंने जब चैन आता है यहाँ पे रेडर आता है हम लोग को क्या करना है ये साइड वाला किधर जाएगा इधर ये ग्राउंड का देखिए ये सब हमारा बोर्ड लगा हुआ भी अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है हाँ जो जो ग्राउंड है ये है ये ना बताया था चलो फिर जाओ रेड अपने से नहीं मारना चैन से मारना चलो रेड चलो निकलो 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 चलो मारो ऑफ और देखो तो हम लोग का भाई बहुत लगाव रहा है शुरू से ही उनके साथ देखिए किन्हीं के पैंट्स आए थे तो कितना महीना हो गया अभी यहाँ यहाँ इन लोगों को प्रैक्टिस करते हुए अभी रेगुलर तो नहीं होता है अभी इधर रेगुलर एक टूर्नामेंट है यहाँ पे